एलएनएमयू के उप परीक्षा नियंत्रक से छात्रों ने की हाथापाई, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें कुछ छात्र मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा उप नियंत्रक आनंद प्रकाश गुप्ता के कार्यालय में घुसकर उनके साथ दुर्व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक फर्स्ट पार्ट के एडमिट कार्ड में बहुत जगह गलतियां पाई गई है, जिसकी वजह से यह मामला शुरू हुआ। इसी मामले को लेकर उप परीक्षा नियंत्रक से कुछ छात्र अपनी समस्या को सुनाने पहुंचे। इस दौरान बहस आगे बढ़ी और परीक्षा नियंत्रक से छात्र उलझ गए, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस संबंध में जब विश्वविद्यालय के परीक्षा उप नियंत्रक आनंद प्रकाश गुप्ता से टेलीफोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह घटना किसी के द्वारा प्रायोजित की गई है, जिसे यहाँ की कड़ी व्यवस्था के चलते परेशानी हो रही है। वही उन्होंने बताया कि वीडियो में मौजूद लोग विश्वविद्यालय के छात्र भी नहीं हैं, इसका आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई हाथापाई नहीं हुई है, हमने बस आए लोगों से कहा कि आप शांत हो जाइए, तब आपकी समस्या सुनी जाएगी। हम इसके लिए अधिकृत नहीं हैं। सर, आज आप फिर आप घटना घटी है, जो दुर्व्यवहार किया गया है आपके साथ, क्या कहेंगे? दरअसल वो कोई छात्र नहीं था, प्राइवेट भेजा गया था। अच्छा, लगातार भेजा जा रहा है प्राइवेट करके। आखिर क्या मामला था सर? कोई मामला नहीं, छात्र है ही नहीं। आप देख लीजिए, अगर छात्र है तो आप लोग आइडेंटिफाई उसको। किस प्रकार से आप लोग के पास आए थे? वो आया, हल्ला करने लगा, हमने यही कहा कि आप शांत रहिएगा। तब हाँ रुके रहे, दो मिनट। अच्छा ठीक है, तब क्या हुआ फिर आगे? फिर उसके बाद नहीं, हम निकलने नहीं देंगे, धक्का मुक्की किया। अच्छा, सुरक्षाकर्मी जो यहाँ है वो आपकी आपको बचाए? हाँ, वो लोग बीच बचाव कर रहे थे। आगे क्या करेंगे सर? मामला दर्ज करवाएंगे? अब ये तो विश्वविद्यालय प्रशासन को मैंने दिया। आप लिख के देंगे तब तो मामला दर्ज होगा। लिख के मैंने दिया दिया है दिया है आप। न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।